रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी ऑल फाइन। स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर इंग्लिश, सॉरी, एंड हरीली ओपन योर बुक्स एंड कम टू पेज नंबर, यस, पेज नंबर 43। कल हमने ये क्वेश्चन कर ली थी पूरी इसकी एक्सरसाइज, तो अभी हम आ रहे हैं पेज नंबर 43 पे। तो पेज नंबर 43 पे देखें आपका क्या आ रहा है। ठीक, मैसेज इन अ बॉटल, बॉटल के थ्रू देखें कौन सा मैसेज एक मिलता है, लेकिन उसकी रीडिंग हम तभी कर सकेंगे जब हमें इसके वर्ड्स मीनिंग आते होंगे। ठीक है, डिसाइडेड, मेड अप वन्स माइंड अबाउट समथिंग, डिफिकल्टी, समथिंग नॉट डन इजीली, डिस्कवर्ड, फाउंड, अनकवर्ड, लर्नड अबाउट, फुलिश, नॉट क्लेवर, नॉट ब्राइट। मैसेज होता है जी अ शॉर्ट लेटर ऑफ वर्ड सेंड फ्रॉम अदर पर्सन टू अनदर पर्सन। स्क्रैम्बल्ड, सॉरी, स्कम्पेयर्ड, रन क्विकली, वंडर्ड, थॉट अबाउट। ठीक है, ये सारे आपके वर्ड्स भी नहीं है जो आपने याद, डिसाइडेड होता मतलब कि कोई प्लान बनाना मुश्किल, डिफिकल्टी मुश्किल होता, डिस्कवर्ड होता कोई चीज़ दरियाफ्त करना, फुलिश होता है मीन्स के बेवकूफ पागल सा, मैसेज होता है पैगाम, स्कैम्पर्ड होता है मीन्स के भागना ऐसे अजीब से तरीके से, वंडर्ड होता है कि हैरान होना। यही जस्ट क्वेश्चन हैं आपके वर्ड्स मीनिंग जो आज आपने लर्न करने हैं। आई होप ये आपको क्लियर होंगे, तो इंशाल्लाह हम इसकी कल रीडिंग कर लेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।